Good afternoon to all students. My name is Rajini Saini. I teach in Adarsh Gandhi Ketan Senior Secondary School, 22. Students, अभी बच्चे अपने घर पे रह के अपनी अच्छे से study कर रहे होंगे और बिल्कुल safe होंगे. तो students, revision start करते हैं chapter 8, keeping safe. Safe means सुरक्षित. हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं? कई ऐसे points होते हैं जिनको हमें अपने घर में अपने स्कूल में बाहर हर जगह जिनको फॉलो करना चाहिए. अगर इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो कभी भी हमारे साथ कोई भी इंजरी कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा. स्टूडेंट्स शॉर्टली इस चैप्टर को रीड करेंगे कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था सेफ्टी रूल्स पढ़े थे. इसमें हमने देखा था कि जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें कितनी लाइट होती है. देखिए स्टूडेंट्स ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट्स होती है. जैसे मैंने पहले आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें 3 लाइट्स होती है. देखिए स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी लाइट होती है? रेड लाइट. कौन सी होती है? रेड लाइट. और रेड लाइट का मींस क्या होता है? स्टॉप. तो रेड लाइट होते ही हमें क्या होना है? स्टॉप होना है. नेक्स्ट है येलो लाइट. येलो लाइट. और येलो लाइट का क्या मींस है? वेट करना, यानी कुछ देर रुको, वेट कर. नेक्स्ट कौन सी लाइट है? नेक्स्ट है ग्रीन लाइट. और ग्रीन लाइट होते ही हमें गो हो जाना है, मींस चले जाना. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ट्रैफिक रूल्स हैं जो हमें रोड क्रॉस करते समय इनका ध्यान में रखना चाहिए. रेड लाइट मींस स्टॉप, येलो लाइट मींस वेट कर, मींस रुको, ठहरना थोड़ी देर, ग्रीन मींस गो. स्टूडेंट्स ये 3 लाइट्स हैं जो सेफ्टी रूल्स हैं. ये अगर हम फॉलो करते हैं तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और दूसरों को भी कर सकते हैं. सेफ्टी ऑन रोड. अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें रोड पर क्रॉस करते समय हमें फॉलो करना है. देखिए ऑलवेज क्रॉस द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग. जब भी हमें रोड क्रॉस करनी है जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है. वॉक ऑन द फुटपाथ. फुटपाथ कौन सी जगह होती है? पगडंडी होती है जो रोड के दोनों साइड में होती है. तो हमें हमेशा रोड के दोनों साइड में जो कच्ची जगह होती है उसका यूज करना है चलने के लिए, ना कि सड़क के बीच में चलना. नेक्स्ट देखिए यूज ओवरहेड ब्रिज टू क्रॉस रेलवे लाइन. रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए ओवरहेड जो ऊपर से ब्रिज बना हुआ होता है उसको हमें उसमें से हमें जाना चाहिए. ठीक है नेक्स्ट है. अब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रोड पे क्या नहीं करना है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. कभी भी रोड पर हमें खेलना नहीं है. रोड क्रॉस करते समय इस बात का ध्यान रखना है. डू नॉट रन ऑन द रोड. रोड पे कभी भी भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है. डू नॉट क्रॉस द रोड व्हाइल द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन. जब रोड पर ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है उस समय हमें रोड पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस समय गाड़ी मोटर हमें बहुत चलने लगती है. इसलिए हमें ग्रीन लाइट के अंदर जाना नहीं चाहिए. सेफ्टी एट होम. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने घर पे भी सेफ रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं. देखिए ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स. हमेशा अपने पेरेंट्स की बातों को ध्यान से सुनो और उनको फॉलो करना चाहिए. ओबे मींस आज्ञा का पालन करना. हमें नाइफ ब्लेड सीजर इन सब का यूज हमें नहीं करना चाहिए. जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में हो तभी हमें इनका यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. स्टे अवे फ्रॉम मेडिसिन एंड फॉल ऑब्जेक्ट. गर्म चीजों से हमें दूर रहना है और जितनी भी मेडिसिन होती है उनको विदाउट अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना हमें नहीं लेना है. तो इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो घर पे हम सेफ रह सकते. नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिकल वायर स्विच और जो प्लग होते हैं जो भी इलेक्ट्रिक की जो भी चीजें होती हैं इन्हें आपको टच नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट देखिए
यानी माचिस की जो डिबिया होती है उसको हमें नहीं जलाना चाहिए। कुछ बच्चों की आदत होती है उसको जलाएंगे या चाकू से कट करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। नाइफ सीजर ब्लेड का यूज नहीं करना है, ना ही मैचिस स्टिक का यूज हमें करना है। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन सीढ़ियां, सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं है। डू नॉट प्ले आउट और बालकनी, बालकनी से कभी भी अपने आप को झांक के नहीं देखना है, ऐसा करने से आप गिर सकते हैं, तो बालकनी पे कभी भी झांकना नहीं। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, प्लेइंग खेलते समय आपको कुछ रूल्स ऐसे हैं जो फॉलो करने चाहिए। प्लेइंग सेफ प्लेस लाइक ग्राउंड और पार्क, हमें हमेशा सेफ यानी सुरक्षित जगह पे ही खेलना चाहिए। जैसे आपके लिए ग्राउंड है, गार्डन है, उसमें ही हमें खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, जिसको हम नहीं जानते हैं उनके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, ना उनसे बातें करनी चाहिए, ना उनके द्वारा हमें कोई जो चीज दी जाती है। स्ट्रेंजर अजनबी, अगर हमसे कोई ये कहे कि चॉकलेट है आप खा लो, ऐसा नहीं करना है। जिसको हम नहीं जानते हैं उनसे ना तो बात करनी है और ना ही कोई उनसे चीजें लेनी है। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो खेलते समय भी हम सेफ रहेंगे। ऐसे ही जब आप स्विमिंग करते हो उस समय में भी हमें ध्यान रखना है अकेले स्विमिंग नहीं करनी है। जब हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमारे साथ हो तभी हमें स्विमिंग करनी है। और बस और कार में जब भी आप स्कूल आते हो, बस वैन में आते हो या कहीं जाते हो, तो वहां भी हमें कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। हमेशा बस का जब वेट करते हैं तो हमें एक क्यू मीन्स लाइन में खड़े रहना चाहिए, और हमेशा बस में आराम से बैठना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, ना ही हमें सीट बेल्ट को हटाना चाहिए। धक्का मुक्की नहीं करना है। जब भी आप बस में उतरो चढ़ो तो आराम से वन बाई वन में उतरना और चढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने सेफ्टी रूल्स देखे हैं, जिनको अगर हम अपने घर और घर से बाहर फॉलो करते हैं तो हम सेफ रह सकते हैं। चैप्टर एट का रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे। टिक द राइट आंसर। The light tells us to stop. और स्टॉप के लिए कौन सी लाइट होती है? कौन सी होगी? स्टॉप का मींस रेड लाइट। तो नंबर ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर टू, वी शुड क्रॉस द रोड फ्रॉम। हमेशा हमें जब रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। नंबर ए ऑप्शन। यस सर। नंबर थ्री, वी शुड नॉट प्ले विद, हमें हमेशा किसके साथ नहीं खेलना है, लेकिन टॉयज के साथ खेलना है। मैच स्टिक के साथ हमें नहीं खेलना है, माचिस की डिबिया का यूज हमें नहीं करना है। बैठना है।
नंबर की डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर हमें कभी भी गेम्स नहीं खेलने चाहिए। नेक्स्ट देखें ट्रू फॉल्स, वी मस्ट फॉलो सेफ्टी हैबिट ऑल टाइम, यस ट्रू, हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर बी, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट यूज ए जेब्रा क्रॉसिंग, यस जब भी रोड क्रॉस करें हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। नंबर सी, वी मस्ट सिट क्वाइटली इनसाइड ए मूविंग बस, चलती हुई बस में हमें चुपचाप बैठना चाहिए, यस। नंबर डी, प्लेइंग विद फायर एंड पॉइंटेड बुक्स लाइक आयरन नेल्स इज फन, या हमें नुकीली चीजों से जैसे कील होती है उनसे खेलना चाहिए, नो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है इसलिए हमें इनसे खेलना नहीं चाहिए। What should we do while crossing the road? Road cross करते समय हमें क्या करना चाहिए? Answer लिखेंगे, while crossing the road we must use the zebra crossing. बुक में देखो घर पे और घर से बाहर कुछ
कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, जिनको फॉलो करके हम सेफ रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।